नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। तो बता दें आपको कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और उसको लेकर भव्य आयोजन यहां पर होगा, जिसकी तैयारियां देखी जा रही है। तो देश भर के धर्माचार्यों को निमंत्रण दिया जाएगा। तो राम जन्मभूमि वित्तीय क्षेत्र भोजन आवास की व्यवस्था करेगा। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में घर घर संपर्क किया जाएगा। तो 11 नवंबर को दीप उत्सव पर मनाएंगे नया कीर्तिमान। तो 21 लाख दीपक जलाकर बनाया जाएगा नया कीर्तिमान और लक्ष्य को पाने के लिए 25,000 स्वयंसेवक लगाए जाएंगे। तो अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर होगा दीप प्रज्वलन। तो 11 नवंबर को दीपोत्सव पर नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। तो यहां पर तैयारियां इसको लेकर की जा रही। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी यहां पर शुरू कर दी गई है। तो 11 नवंबर को दीपोत्सव किया जाएगा। प्रदेश तो भर के धर्माचार्य को निमंत्रण दिया जाएगा। राम जन्मभूमि वित्तीय क्षेत्र भोजन आवास की व्यवस्था करेगा। तो 11 नवंबर को दीप उत्सव पर नया कीर्तिमान मनाया जाएगा। तो घर घर पहुंचकर संपर्क किया जाएगा लोगों से। और बता दें आपको कि प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की जाएगी। तो भोजन आवास की व्यवस्था भी यहां पर राम जन्मभूमि वित्तीय क्षेत्र के द्वारा की जाएगी। तो सभी धर्माचार्यों को निमंत्रण दिया जाएगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उसको लेकर भव्य आयोजित किए जा रहे हैं आयोजन। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, तो भव्य आयोजन यहां पर किया जाएगा। तो देश भर के धर्माचार्यों को निमंत्रण दिया जाएगा यहां पर आने के लिए। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तो पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, देखा जाए तो राम जन्मभूमि अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर देखा जाए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया जाएगा, जिसको लेकर भव्य आयोजन भी किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां की जा रही। किस तरह से आप वहां पर तैयारियां देख पा रहे हैं इसको लेकर? देखिए प्रियंका, अयोध्या चूंकि यह दुनिया का एक अलग स्थान बन चुका है, इसमें राम जन्मभूमि की जो इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको पूरे देश और दुनिया में लोग पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। और इस बार 22 जनवरी को डेट तय की गई है, जिसमें बहुत सारे धर्माचार्य इसमें बुलाए जा रहे हैं और यह आयोजन करीब 2 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे धर्माचार्य जो अपने देश के हैं वो आएंगे और उनके रहने खाने और कहीं आने जाने की सारी व्यवस्था राम जन्मभूमि ट्रस्ट देखेगा। इन सभी चीजों को देखते हुए वहां पर जो प्रशासन है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो लोग हैं, उन लोगों ने बैठ के इस बात को पूरी तरह से निर्धारित किया है कि किसका कहां पर स्थान बनाया जाएगा और वहां पे एक टेंट सिटी बनाई जाएगी, जिससे जो बाहर से आगंतुक आएंगे उनको समुचित व्यवस्था दी जा सके। क्योंकि यह व्यवस्था जो हो रही है, इसमें घरों में जा करके लोगों से संपर्क करके और इसको पूरा भव्य बनाने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल पवन, और जैसा कि 11 नवंबर को देखा जाए तो भव्य दीपोत्सव भी यहाँ पर किया जाएगा। तो दीपोत्सव को लेकर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस बार 2023 का जो दीपोत्सव होगा, इसको काफी भव्य बनाने के लिए करीब वहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से, वो 21 लाख दीपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 21 लाख दीपक इस बार जलाए जाएंगे। यही कार्यक्रम पिछले वर्ष 2022 में जो हुआ था उसमें 15 लाख दीपक जलाए गए थे, जिसके लिए करीब जो है वो अलग अलग टीम बनाई गई थी, जो टीमें इसका निर्वहन करती हैं और इसको जो है देखती हैं। इसके लिए वहां पर जो विश्वविद्यालय है, जो वहां पर अवध विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो इसको हैंडल करता है और वहां पे अलग अलग वॉलंटियर्स और अलग अलग टीमें गठित करता है जो इसकी निगरानी करती हैं, जिसको लेकर के वहां पे छोटी छोटी जो कमियां हैं, जो व्यवस्था है, उसको देखने के लिए वहां पर विद्यालय प्रशासन पूरी तरह से इसका काम अपने हाथ में लेता है। इस बार इस काम को करने के लिए
पिछली बार 2015 में 2022 में 15 लाख दीपक जलाए गए थे और इस बार करीब 21 लाख दीपक का लक्ष्य रखा गया, जिसको लेकर के वहां 22 लाख दीपक की व्यवस्था बनाई जा रही, जिससे कि 21 लाख दीप जलाकर और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया जा सके। इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन और वहां का जिला प्रशासन पूरी तरह से समन्वय बैठाकर उसकी मीटिंग करके कौन सा काम किस समिति को किस विभाग को देना है उनको नामित कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी। इस बार की इसकी भव्यता इस बार इसलिए ज्यादा बड़ी हो जा रही है क्योंकि इस बार 2022 में 22 जनवरी को यहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसलिए इस बार का जो दीपोत्सव है वो काफी भव्य होगा और इसके लिए पूरा आयोजन किया जा रहा है। चूंकि उसका समय और इसके समय में मात्र 2 महीने की दूरी है, 2 महीने का समय का जो अंतराल है उसमें दोनों की तैयारी पूरी तरह से सरकार और प्रशासन और विश्वविद्यालय की बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसकी भव्यता पूर्ण रूप से बनाने के लिए। जी प्रियंका, बिल्कुल शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए।